हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए लेटेस्ट जो है रिक्रूटमेंट इन उत्तराखंड। तो आज की जो वैकेंसी है इसके बारे में जानेंगे। तो ये वैकेंसी जो निकली है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निकली है, भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो यहाँ पे आप डिटेल से जानेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगा गया है। तो डिटेल से हम जानेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो अब देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि मैंने बताया गाइज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी निकली है। तो इसमें पद देख लेते हैं। पहला जो पद आपके पास रहेगा, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट जेनेटिक्स में एक पद है। इसमें गाइस जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो डॉक्टरेट डिग्री यहाँ पे मांगा गया है वाइल्ड लाइफ या जूलॉजी लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एमएससी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस और अदर बायोलॉजिकल साइंस, और साथ में 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी कि इन दोनों में से एक आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस वाले बंदे को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देंगे। एज लिमिट की बात करें तो 40 यहाँ पे मैक्सिमम एज है, और सैलरी की बात करें 42,000 प्लस एचआरए यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट पद है यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें जो है 14 जो पदों की संख्या है वो 14 है। यहाँ पे एमएससी मांगा गया है वाइल्ड लाइफ साइंस या बोटनी जूलॉजी फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाइफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एग्रीकल्चर साइंस वेटनरी साइंस बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स कंजर्वेशंस बायोलॉजी या स्टैटिक्स से। और डिजायरेबल में जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 35, और सैलरी की बात करें तो 31,000 प्लस एचआरए यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तीसरा पद है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट जेनेटिक्स की, यहाँ पे एक पद है। एमएससी यहाँ पे सेम जो है क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, सैलरी भी यहाँ पे जो है सेम रहने वाली है। चौथा पद यहाँ पे साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इसका भी एक पद है गाइस। जिसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है बीएससी बीए बीकॉम 50% के साथ में मांगा गया है, ठीक है। और साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है हैविंग वर्क इन ऑफिस, ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। डिजायरेबल में देखिए एमएस ऑफिस ग्राफिक डिजाइंस गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स वाले बंदे को यहाँ पे थोड़ा जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एज की बात करें तो जो है 50 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज, और सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये प्लस एचआरए यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं गाइज। नेक्स्ट फर्स्ट आपके पास में रहेगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का एक पद है। यहाँ पे भी जो है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में सेम रखा गया है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस वाले बंदे को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। 40 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एट, 42,000 प्लस एचआरए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट एक है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सेम यहाँ पर रखा गया है, और 35,000 प्लस एचआरए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। यहाँ पे 31,000 प्लस एचआरए यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं लगभग सेम मांगा गया है, 31,000 यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद कर लेते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, यहाँ पर मास्टर डिग्री सेम यहाँ पर एमएससी या फिर मैनेजमेंट वाला या एग्रीकल्चर्स या बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री इन वेटनरी साइंस। साथ में जो है अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो पीएचडी वाइल्ड लाइफ साइंस से जूलॉजी से बोटनी से या कंजर्वेशन बायोलॉजी से फॉरेस्ट्री से वेटनरी से किसी एक से आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, 42,000 प्लस एचआरए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट है, यहाँ पे 31,000 प्लस एचआरए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस जी आप देख सकते हैं सारे पद मैं आपके बता रहा हूँ, ठीक है। सब प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट है, इसमें बैचलर या मास्टर डिग्री वेटनरी साइंस से मांगा गया है, 31,000 यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी प्लस एचआरए। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी फील्ड से, और 18,000 प्लस एचआरए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप और पद भी देख सकते हैं इसमें,
ठीक है। तो MSc, BSc, BA, BCom सब के लिए यहाँ पे पद हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो BSc वाले, BCom वाले, BA वाले सब के लिए। अब इसमें आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको अप्लाई जो है किस तरीके से करना है, तो देखिए गाइज, हाउ टू अप्लाई। तो मोड ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पर दे रखा है, जो भी आपका रहेगा वो वॉक एंड इंटरव्यू होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें 24 अगस्त जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, यानी कि आज जो है इसमें, आज जो है लास्ट डेट इसकी है। और इसमें 500 रुपीज़ आपको जो है पे करना है, रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे जो है पे करना है। और जो कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम 4 सितंबर को रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, तो अप्लाई का लिंक मैंने दिया है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो है, आज आज ही जो है इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसकी ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।